Okay, good morning everyone, and very sorry for the inconvenience which was caused just because of some network issues. So what we were discussing, मैंने ये कहा आप लोगों के exams date announce हो गए हैं आपके, you have got your portions, है ना, and I think class 4 is going to have half. I think one chapter from term one, that was true friend, and from term two you are going to have the unit fantasy. And a first sports se ek chapter aap logon ko aayenge, jisse ek chapter hai true friend aur dusra hai term two se jo hai fantasy, aur uske alawa practice book ke teen chapters hain, wo hain aapke tense, verb, describing words, and I think the last or the one is your sentence or subject predicate, maybe plus your writing skills. So writing skills mein aapke paragraph writing hai, letter writing hai. Paragraph to jitna bhi hoga aapko karna padega. Letter writing mein do tarah ke letters hai, formal aur informal, hai na. Formal letter I think सिर्फ फैंटेसी चैप्टर अगर आप खोलोगे तो फैंटेसी चैप्टर में दो लेटर हैं, है ना, जो फॉर्मल कंसिडर किए जा सकते हैं. प्लस एप्लीकेशंस आपके सिलेबस में पोर्शन में नहीं है, तो फैंटेसी चैप्टर में जहाँ की किंग एम्परर जो है वो लिख रहे हैं. एम आई ऑडिबल स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल वंशिका, एम आई ऑडिबल? Yes, okay. Ma'am. Okay. Okay. Any problem right now you are having? I think no. No, everyone, ma'am. Okay. Okay. Thank you, Vanshika. So what I was discussing, some of the students have asked me, ma'am, informal karna hai ki formal karna hai. So letter jo jo aap logon ne padha hai, aapke portion ke hisab se ek letter aapke true friend mein hai jo informal letter hai, hai na? और दो लेटर आपने अपने रीडर बुक के लास्ट यूनिट में यानी फैंटेसी में चैप्टर द लैंड ऑफ लिलीपुट से पढ़ा है. तो दो लेटर आपके वहाँ, ये तीनों लेटर्स हैं, प्लस दो लेटर आप लोगों ने सिलेबस के हिसाब से भी किए हैं. एक है राइट अ लेटर टू योर अंकल, है ना, राइट अ लेटर टू योर अंकल टू थैंकिंग हिम फॉर द बर्थडे गिफ्ट. सो दैट यू ऑल हैव read through this session. And one more letter was there, was the letter, write a letter to your friend describing how you are going to celebrate Republic Day. ये आपने पढ़े हैं अपने sessions में, ये whole session में. इसके अलावा diary entry है, speech writing है, paragraph writing में mostly मैंने जो मुझे idea होगा, अगर suppose दो ऑप्शंस हैं आपके पास दैट यू हैव टू राइट पैराग्राफ फ्रॉम टू टॉपिक्स, बीच में कोई एक और होगा डेफिनेटली, यानी एक टॉपिक होगा वो टर्म वन से होगा और दूसरा टर्म टू से होगा. जैसे टर्म वन में हम लोगों ने पढ़ा था स्पोर्ट्समैनशिप, हेल्थ इज वेल्थ, टर्म टू में हमने पढ़ा इम्पोर्टेंस ऑफ फेस्टिवल और इंडिया ऑफ माई ड्रीम. तो इन चार में से दो आपके पास हो गए, जिनमें एक टर्म वन का होगा और एक टर्म टू का होगा. इन दो में से कोई एक आपको करना होगा. ये आपके ऑप्शंस आपके पास होंगे, प्लस लाइफ स्किल और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को भी स्कीप नहीं करेंगे. आई होप सभी लोगों को फॉर्मेट्स मालूम है. यू आर गोइंग टू हैव 10 एमसीक्यूज, 10 एमसीक्यू. यस अनिध्या, अनम्यूट योरसेल्फ. मैम आपने हेल्थ इज वेल्थ नहीं लिखवाया है. लिखवाया बेटा, मे बी यू हैव स्किप्ड, बट आई हैव गिवन हेल्थ इज वेल्थ. This is the topic when I have discussed it before half yearly exam. Half yearly exams के पहले लिखवाया है. But अगर आप लोगों को चाहिए तो maybe I could give it to you again. मैं कोशिश करूंगी कि आज वापस से लिख के भेज दूँ. और अगर किसी ने लिखा है वो शेयर कर देगा, और अगर मुझे दे दो मैं उसको शेयर कर दूंगी. अगर यही प्रॉब्लम बाकी बच्चों का भी है, हेल्थ इज वेल्थ नहीं है, तो फिर लेट मी नोटिस and I will share it again. I will write it and share it to you. I hope उत्सव के पास तो definitely नहीं ही होगा, but it's a request बच्चों, एक request है मेरा, आप Google से copy नहीं करेंगे. मैंने देखा है क्योंकि online exams होते हैं तो बच्चे cut paste करवाते हैं parents से,
ना बट मत करो बेटा, राइटिंग स्किल हमेशा आपके राइटिंग, आपकी क्रिएटिविटी, जो आप लिखने की जो आपकी कला होती है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की, वो उसको इनहांस करने के लिए होता है। अगर आप कहीं से कट पेस्ट करोगे तो यू आर नॉट गोइंग टू लर्न एनीथिंग, आपका कहीं से कुछ भी। तो बेटर है कि आप रॉन्ग लिखो चलेगा, बट अपनी बात लिखो, है ना। ठीक है, मैं हेल्प करने के लिए निश्चित आपको हेल्प करूंगी। मैं अगर आप कहोगे तो मैं दोबारा भी उसको लिख के शेयर कर दूंगी, बट इट्स एन रिक्वेस्ट, डोंट पेस्ट इट फ्रॉम एनीवेयर। मैंने लास्ट हाफ ईयरली में ये नोटिस किया था, बहुत सारे बच्चों ने ये काम किया था, इन्होंने कट पेस्ट किया था गूगल से, वो मत करना बच्चों, इट्स एन रिक्वेस्ट। अपनी भावनाओं को खुद से एक्सप्रेस करना आना चाहिए आप लोगों को। अगर अब इनफॉर्मल या और किसी को कुछ पूछना है रिगार्डिंग सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, जो पोर्शंस आपको मिले हैं उसके रिगार्डिंग अगर अभी भी किसी को कंफ्यूजन है तो वो पूछ लो, है ना। अदरवाइज आई वुड लाइक टू डिस्कस सम ऑफ द पैटर्न्स और द फॉर्मेट्स ऑफ राइटिंग इनफॉर्मल लेटर्स। अगर किसी को कुछ पूछना है तो दे कैन रेज देयर हैंड, है ना, और मैं आपको आपके कन्फ्यूजन्स को थोड़ा सॉर्ट आउट करूँ, है ना। अदरवाइज हम लोग, मैं कुछ क्वेश्चंस दे दी जाऊंगी और आप लोग उसको लिखते जाना। दीज वेर योर असाइनमेंट्स फॉर टुडे, ठीक है, ये आपके असाइनमेंट्स होंगे, है ना। आई एम गोइंग टू गिव सम क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड, आई विल राइट इट ऑन द बोर्ड और आप लोग उसको अपनी कॉपी में उतारो, एंड दिस विल बी योर असाइनमेंट। यस दर्शिका, यू रेज योर हैंड, हाँ वेरी गुड। अपने वीडियोज ऑन रखोगे तो मुझे आपके प्रॉब्लम्स खुद दिखेंगे। दर्शिका अनम्यूट करो अपने आप को, दर्शिका अनम्यूट करो अपने आप को, दर्शिका बोलो। यस मैम, रेज योर हैंड, यू वांट टू आस्क एनीथिंग, कुछ पूछना है तुम्हें पूछो। यस मैम, जल्दी मैम, चैप्टर नंबर 1 और 4 मैम आने वाला है पोर्शन में, तो मैम मैम ये सब में से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैप्टर का नाम मेंशन मैंने किया है बेटा, यूनिट 1 में सिर्फ एक ही चैप्टर आपका है, वो है आपका ट्रू फ्रेंड, आपको उसी से क्वेश्चन होगा और कहीं से नहीं, ठीक है, अंडरस्टूड। और ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके नाउ दर्शिका म्यूट योरसेल्फ, अपने आप को म्यूट कर लो। यस उज्जवल, अनिल मैम, उज्जवल मैंने भी हेल्थी 12th पैराग्राफ नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। ओके ओके, गिव मी सम टाइम, आज इवनिंग या लेट नाइट भी मैं लिख के आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। डोंट वरी, देयर इज नो नीड ऑफ बीइंग वरीड। और असाइनमेंट्स जो मैं देती जा रही हूँ अभी फिलहाल, जो आपको स्नैप होमवर्क पे मिल रहे हैं, आप उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करना टिल योर डे ऑफ एग्जामिनेशन। स्नैप होमवर्क ऐप पे सारे बच्चे उसको प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम माई साइड, है ना। आसानी से आप लोग एग्जाम्स को सॉल्व कर लोगे और अच्छे से कर लोगे, सो डोंट बी, देयर इज नो नीड ऑफ बीइंग वरीड। आई एम राइटिंग सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड, कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे लिख रही हूँ, आप लोग उसको नोट डाउन करो, दैट विल बी योर रिविजन, आज का रिविजन असाइनमेंट हमारा वही होगा। सो आई एम गोइंग टू राइट इट, हैव योर कॉपी विथ यू, एंड उसको लिखेंगे अभी सभी, ठीक है। आई एम ओपनिंग वन, और हेल्थ इज वेल्थ के लिए मैंने आज भेजा है तुम लोगों को असाइनमेंट पैराग्राफ के लिए, हेल्थ इज वेल्थ, और एक और है टॉपिक इंडिया ऑफ माय ड्रीम, आई होप आप उसको लिखना, इंडिया ऑफ माय ड्रीम, यस, आप उसको शेयर निश्चित करना, आंसर स्नैप होमवर्क के थ्रू मुझे भेजोगे तो निश्चित मैं उसको चेक करके फिर मार्क्स बिठाऊंगी। आई एम ट्राइंग टू ओपनिंग माई PDF जो मैंने आज रिविजन सेट प्रिपेयर किया था, और अभी हम लोग उसको बोर्ड पे लिखेंगे और आप लोग उसको लिखोगे। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करेंगे, है ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सो आई एम गोइंग टू राइट इट, राइट इट डाउन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस कुड बी एनीथिंग, ये वन वर्ड आंसर्स भी हो सकता है और ये क्वेश्चन आंसर्स भी हो सकते हैं, अभी आप लोग इसको लिखो।
So right now, what we are doing, we are having some of the questions on the board, and you all are going to note down these questions, you know, and you are going to do it as your assignment. So your first question is, why was Rahul not happy even after winning the race? Now, number two is, what warning did principal give Rahul? What is the opposite of hard and rival? And the fourth one is, who was proud and arrogant in the story in the number five, what you have to do, you have to write the similar meaning words. Similar meaning words. Write similar meaning words of the following. Similar meaning words of the following. What are the words? Kind. 40. Ma'am. Yes. Ma'am, इधर साइड का नहीं दिख रहा है थोड़ा. दिख रहा है. किस तरह? Question answers. Question answers की तरह. अभी? Yes, ma'am. दिख रहा है? Yes, ma'am. अब दिख रहा है. Right on. 40, 1, 2, 3, 7, note it down, firstly, the words are kind, 40, and sad. I hope everyone is writing. Ranjan, likho beta. Bachcho, aap log apne videos off karke baith rahe ho na. Some of the students have raised their hand. किन्होंने अपने हाथ उठाए हैं? सत्यम चा अनम्यूट करो अपने आप को. सत्यम मैम को स्क्रीन को इधर करिए ना मैम, राइट साइड करिए ना स्क्रीन को. What is the problem? Ma'am, aap thoda sa question nahi dikhai de raha hai. Satyam, don't shout. There is no need of being, just check your tone. Don't shout. You can talk politely. Hai na? Aram se baat karo. सभी बच्चों को क्वेश्चन आंसर तुम्हें कैसे नहीं आ रहा है? बाकी बच्चों को कैसे दिख रहा है? अभी बताओ. यस मैम. Now write yes, down. Now still. Write down fastly and mute yourself now. Yes. Ma'am.
I hope everyone has written now. Now I'm giving you 5 minutes. 5 minute का time है आपके पास. Do it right now. 5 minute में खत्म करो and send it to Snap Homework. I'm waiting for the responses. अभी Snap Homework में जाएगा? नहीं, जब तक मैं नहीं भेजूंगी तब शायद नहीं जाएगा. Probably, anyways, मैं अब एक एक करके अनम्यूट करूंगी. आई होप सब लोगों ने आंसर्स अपने प्रिपेयर रखे हैं. अमर दुबे, अनम्यूट करो अपने आप को एंड गिव मी द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. अमर दुबे, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? व्हाई वाज राहुल नॉट हैप्पी इवन आफ्टर विनिंग द रेस? व्हाट विल बी द आंसर? अमर, अमर वाज नॉट हैप्पी इवन. यस मैम, बोलो जोर से बोलो बेटा. Winning the race because he had cheated his best friend and now he was realizing his mistake. Very good, very good. Ayush Kumar 4A, unmute yourself. Ayush Kumar, Ayush, unmute yourself and answer the question number 2. Ayush Kumar 4A, unmute kiya hua maine tumko. Question number 2 ka answer do. What is the question number 2? What warning did principal give Rahul? Ayush. Rahul was not happy after winning the race because Amar, mute kar lo. Amar, mute kar lo khud ko. Let Ayush answer. Ayush, answer. Number 2. What warning did principal give Rahul? What warning did principal give Rahul? No, he is not ready. He is sleeping. What will be answer? He is attending a class like a show. He is watching a television show, relaxing on bed. Parmeet Srivastava, apna video on karenge aap? Yes, ma'am, and I feel need miss ho jana. Shivesh Kaushal, theek hai, unmute karo Shivesh. Shivesh Kaushal, I'm talking to you. Can you please switch on your video? Can you please switch on your video? Can you please tell me, Shivesh, what is the reason ki video off karke aap class kar rahe hote ho? Ma'am, main video on karna bhul gaya tha. No, beta, this can't be a reason. This can't be a reason. Okay, anyways, do you want to answer number 2? Question number 2? Aap answer karna chahoge? What is the answer of question number 2? What warning did principal give Rahul? The principal gave a warning to Rahul that if he fails in the exam, he will be punished. Need to work on your preparations, Shivesh. Need to improvement. Okay, so there is lots of scope. There's lots of scope of improvement. Okay. Now I'm going to unmute Arpita words. Arpita. Arpita words. She left the class. Well done. Samiksha. अपना वीडियो ऑन करो समीक्षा, वीडियो ऑन करो और अनम्यूट करो अपने आप को. शिवानी सिंह 4E, शिवानी. यस मैम. यू वांट टू आंसर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट वार्निंग डिड प्रिंसिपल गिव राहुल? You want to answer it? Yes, ma'am. The warning that principal gave to Rahul, he said, this is your last chance. If you do not perform in term and examination, I will punish you. I will punish you. See, answer aap samajh sahi rahe ho, but the way you are answering is not correct. The warning nahi. The principal had given or has given warning. Theek hai? Ya fir the principal had given the warning. Principal has given the warning
to Rahul that if he will not perform well in the term in examination, he will punish him. That's it. Okay. Okay, Samiksha, now your turn. You are going to answer number three. What is the opposite of hard and rival? Hard and rival ka opposite batao. Samiksha? Yes, ma'am. What will be the opposite of hard and rival? कौन बोलना चाहेगा? They can raise their hand, those who want it. Arav? The opposite of the opposite, ma'am, what is question? The opposite of hard is soft and the opposite of rival is friend. Very good. The rival opposite will be friend. Shreyas, unmute kar lo apne aap ko. Shreyas. Shreyas, unmute yourself. Ma'am. Yes. Shreyas, now last number four. Who was proud and arrogant in the story? King Thrushbeard. Who was proud? कौन था प्राउडी ने बाय नेचर एंड एरोगेंट? किंग थ्रशबियर जब पढ़ाया था तो आपने क्लास अटेंड किया था, मुझे अच्छे से याद है. अब मुझे ये बताओ कि कौन था उस कहानी में प्राउड और एरोगेंट? मैम द प्रिंसेस. वेरी गुड, द प्रिंसेस. सो योर आंसर विल बी द प्रिंसेस. वॉर द प्रिंसेस वॉज प्राउड एंड एरोगेंट इन The story King Thrushbeard. See, अगर ऐसे questions exams में आते हैं और अगर एक word में answer दोगे तो I'm not going to give you a single mark. एक number भी नहीं दूंगी. आपको पूरे sentence में answer देना पड़ेगा, है ना? आप suppose जैसे ये question है, who was the beggar, है ना? And you are only if you will write King Thrushbeard, I'm not going to give you the marks. You have to answer. King Thrushbeard was the beggar in the story. Full sentence में answer दोगे तो marks दूंगी. Full sentence में नहीं दोगे, नहीं दूंगी. ठीक है? Now, one few more. Write similar meaning words of the following. What will be the similar meaning word used for kind? Kind. Ma'am. Yes. Yes, Anidya. What will be the kind? Kind ka similar. Generous. Generous, gentle. ठीक है. कुछ भी लिख सकते हो आप हम. Generous भी लिख सकते हो. ठीक है. Gentle का भी मतलब हमारा kind भी होता है. ठीक है. आप वो भी. ठीक है मैम. वो भी correct होंगे. Now the next is haughty. The similar word कौन होगा? Shyan. What will be the similar meaning word used for haughty? H-A-U-G-H-T. Unmute yourself, Shan. What will be the opposite of? Kya hoga? Shayan Abdullah. Unmute karo apne aap ko, Shayan. What will be yes, ma'am. Similar meaning word for haughty? Haughty ka similar meaning word kya hoga? Ma'am, what is the similar meaning word of haughty? H-A-U-G-H-T-Y, haughty. Kya hoga? Hot. Anyone? No, let him answer. Let him answer. Shyan, you want to answer? Beta, at least say yes or no, and I'm waiting. For your response. Radhika Ranjan, unmute yourself. Radhika? Radhika? You want to answer? Yes, ma'am. You want to answer? Yes, ma'am. Similar meaning word of? Yes, ma'am. What
What is the answer? What is the answer? Radhika, kya answer hoga? Ma'am, your vote. Yes. Ma'am, please say, ma'am, question फिर से कहिए. बेटा similar meaning word board पे लिखा हुआ है second word है मोती इसका similar meaning word क्या होगा इसका similar meaning word होगा proud I think किसी ने भी शुरू किया है preparation करने proud sad worried yeah mute yourself the persons उनके घर पे आवाज हो रही है प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए ठीक है ओके सो दिस वे अभी जितने दिन भी हम लोग क्लास कर पाएंगे आप इसी तरह से और नहीं भी होगा तो बिफोर ही रहेगा अगर मैं क्लास में नहीं भी आऊं देयर इज नो नीड ऑफ बीइंग वरीड एवरी डे आई एम गोइंग टू गिव यू सम असाइनमेंट्स थ्रू स्नैप होमवर्क एवरी डे व्हिच विल हेल्प यू है ना जो मेरा काम था जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पाई आपका वो मैं कंपनसेट करूंगी थ्रू माय असाइनमेंट सो देयर इज नो नीड ऑफ बीइंग वरीड आप कॉल करो व्हाट्सएप करो मैं आपके मैसेजेस भी अब रिप्लाई करूंगी हो सकता है कुछ बच्चों को लग रहा था कि मैम मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही है तो देयर वाज सम रीजंस जो अभी नहीं है तो अब इसी तरह से रोज कुछ मैं असाइनमेंट भेजूंगी आपको और आप लोगों को उसको रेगुलरली करना है ताकि आपको एग्जाम्स के वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं हो ठीक है ओके फिर नाउ मैम मैम यस 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 गो अहेड मैम हॉटी का एरोगेंट हो सकता है ऑफ कोर्स हो सकता है ऑफ कोर्स हो सकता है एरोगेंट नहीं इट्स कॉल्ड एरोगेंट ठीक है हो सकता है प्राउड और एरोगेंट यस इट कैन बी यूज्ड देयर वहां हो सकता है आप लिखोगे आपको गलत नहीं होगा वो भी एनीवन एल्स Want to ask anything? और किसी को कुछ पूछना है? मैम? Yes. Yes, Vanshika. मैम आप क्योंकि WhatsApp पे भेजना है? नहीं बेटा, ये जो मैं assignments भेजूंगी आपको वो Snap Homework के through ही भेजूंगी और इसके answers भी आप मुझे Snap Homework के through ही भेजेंगे, ठीक है? Assignment section okay. चलो. आज का assignment. जो आप ये लिखवाए हैं वो. हाँ, ये भी मैं टाइप करके आपके स्नैप होमवर्क पे ही भेजूंगी और तब आप मुझे भेजोगे क्योंकि आज का असाइनमेंट ऑलरेडी मैं भेज चुकी हूँ तो ये क्वेश्चंस कल आपको भेजूंगी और कल इसके रिस्पॉन्सेज आप करेंगे यानी 28 फरवरी तक ठीक है आज का असाइनमेंट ऑलरेडी आपको जा चुका है ठीक है आप चेक करना और रिस्पॉन्स करके मुझे भेजना ठीक है ओके स्टूडेंट्स नाउ स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर योर एनुअल एग्जाम्स आई एम लीविंग